फॉरेन यानी विदेश घूमने का शौक रखने वाले हर ट्रैवलर को भारत के इन चार पासपोर्ट के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि भारत में भी पासपोर्ट के कई प्रकार मौजूद है? इनमें से कुछ पासपोर्ट अपने धारकों को वीजा मुक्त यात्रा, तेजी से इमिग्रेशन कराने आदि में मदद करते हैं। भारत में विभिन्न वर्ग के लोग घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो चलो जानते हैं इन चार पासपोर्ट के बारे में। द ब्लू पासपोर्ट यानी नीला पासपोर्ट। भारत के आम आदमी को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह कस्टम, इमिग्रेशन अधिकारियों और विदेशों में अन्य अधिकारियों को आम आदमी और भारत के उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। द व्हाइट पासपोर्ट यानी सफ़ेद पासपोर्ट। विभिन्न प्रकार के पासपोर्टों में व्हाइट पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली होता है। सरकारी अधिकारी व्हाइट पासपोर्ट के प्राप्तकर्ता होते हैं। यह अधिकारी काम के लिए विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है। व्हाइट पासपोर्ट कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए धारक को सरकारी अधिकारी के रूप में पहचानना और उचित उपचार देना आसान बनाता है। द मरून पासपोर्ट। भारतीय पॉलिटिशियन और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मरून पासपोर्ट जारी किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले पासपोर्ट के लिए अलग से आवेदन करना होता है। ऐसे पासपोर्ट धारक विदेश दौरों के दौरान कई लाभों के पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें विदेश में उड़ान भरने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही मरून पासपोर्ट धारक नियमित लोगों की तुलना में बहुत तेजी से इमिग्रेशन औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। द ऑरेंज पासपोर्ट। भारत सरकार ने बहुसंख्यक आबादी के लिए ऑरेंज पासपोर्ट पेश करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। यह एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए है जिसने 10th कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं की है। नियमित पासपोर्ट के विपरीत ऑरेंज पासपोर्ट में अंतिम पेज नहीं होगा, जिसमें धारक के पिता का नाम, स्थायी पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हो। जो लोग एजुकेशन के रूप से योग्य नहीं है वे ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी इस श्रेणी का कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसे इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर दें। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।